कुक विद पारुल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट रेसिपी की वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पारुल। कुक विद पारुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ कुछ अच्छी बातें शेयर करने जा रही हूँ जो आपके बहुत काम आएंगी। कुछ अच्छी बातों की हमारी जो सीरीज है, आज के इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ एक और बहुत अच्छी बात। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सोच रहे होंगे आज पारुल हरे धनिये के साथ क्या बताने वाली है, क्योंकि हरे धनिये को कैसे स्टोर किया जाता है ये तो मैं आपके साथ पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। हरे धनिये पुदीने की या हरे धनिये की चटनी हर घर में बनाई जाती है, सभी स्नैक्स में यूज होती है। कि चटनी जब भी हम बनाते हैं कुछ ही घंटों बाद उसकी रंगत बिल्कुल फीकी पड़ जाती है, जैसे डिसकलरेशन जिसे आप कहते हैं, कि बिल्कुल उसका जो हरा चोयल रंग होता है बिल्कुल चला जाता है और स्वाद भी वो नहीं रहता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, चटनी का रंग फीका ना पड़े और उसकी रंगत 2 से 3 दिनों तक बनी रहे, तो इसके लिए चटनी पीसते समय आप थोड़ा सा सफेद तिल मिलाते हैं। लगभग 1 चम्मच के करीब आप सफेद तिल मिलाते हैं। इससे चटनी का रंग बिल्कुल बरकरार रहेगा 2 से 3 दिन तक, और सफेद तिल से एक अच्छा स्वाद भी आ जाएगा, रंग भी बना रहेगा और चटनी आराम से 2 से 3 दिन तक बिल्कुल हरी बनी रहेगी। तो ये बहुत अच्छी टिप है, एक बार आप इसको जरूर ट्राई करें। दूसरी जरूरी बात, चटनी पीसते समय अगर आपको चटनी उसी वक्त इस्तेमाल नहीं करनी है, आप चाहते हैं कि चटनी हम अभी पीस लें शाम को यूज करनी है, तो गलती से भी चटनी में नमक बिल्कुल ना मिलाएं। उस वक्त नमक बिल्कुल ना मिलाएं और ना ही नींबू मिलाएं। नींबू और नमक दोनों ही चीज उस समय बिल्कुल ना मिलाएं जब आपको चटनी इस्तेमाल करनी है। जैसे मान लीजिए शाम को आपको चटनी को इस्तेमाल करना है, उसी वक्त आप फ्रिज में से चटनी निकालें और जितनी चटनी आपको चाहिए उतनी ही क्वांटिटी में आप नमक और नींबू मिलाएं। नमक और नींबू मिलाते ही आप देखेंगे कि आपकी चटनी का रंग फिर से बिल्कुल हरा भरा हो गया और स्वाद भी बढ़ गया। तो इस तरीके से आप चटनी बिना नमक और नींबू के 3-4 दिन तक रख सकते हैं। उस वक्त तो आपको रंग उसका थोड़ा फीका लगेगा, लेकिन जब भी आप उसमें नमक और नींबू मिलाएंगे चटनी वापस से बिल्कुल हरे रंग की हो जाएगी। तीसरी जरूरी बात, आपको चटनी का इस्तेमाल उसी वक्त करना है और आप चटनी पीस रही हैं और आपको ये डर है कि उसका रंग काला ना पड़ जाए, तो आप क्या करें कि जब भी आप हरे धनिये की चटनी पीसते हैं उसी वक्त उसमें थोड़ा नमक जितनी मात्रा आपको चाहिए स्वाद अनुसार और नींबू का रस उसी वक्त उस मिक्सी जार में डाल दें, फिर आप चटनी पीसें। आप देखेंगे कि आपकी चटनी का रंग बहुत ही खिला खिला ग्रीन, एकदम बढ़िया हरा रंग आया है और चटनी खाने में भी आपको बहुत टेस्टी लगेगी। मैं अपने चैनल पर हरे धनिये पुदीने की चटनी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, आप देखिए मैंने उसमें उसी तरीके से बनाया है और रंग कितना बढ़िया आया है। लेकिन यहाँ पे फिर वही बात आपको याद रखनी है, अगर उस वक्त आपको चटनी नहीं यूज करनी है तो नींबू बिल्कुल भी उस वक्त ना डालें, चटनी आप फ्रिज में रख दें, जब भी यूज करनी हो तभी आप नींबू और नमक डालें तो वापिस वो अच्छी रंगत में हो जाएगी। जरूरी बात, चटनी पीसने के बाद कभी भी गलती से किसी भी रिएक्टिव पॉट्स में चटनी को स्टोर ना करें, जैसे तांबे का बर्तन, क्योंकि वो तांबे वगैरह के साथ रिएक्ट होके उसका रंग बिल्कुल काला पड़ जाएगा। चटनी को स्टोर आप हमेशा कांच के जार या स्टील के बॉक्स में करें। कांच के जार और स्टील के बॉक्स में चटनी बहुत दिनों तक अच्छी बनी रहती है और उसका रंग भी बना रहता है, तो ये बहुत जरूरी बात है। और चटनी जब भी आप निकालें इन बॉक्स से, कोशिश करिए कि आप लकड़ी की ही चम्मच का इस्तेमाल करें। लकड़ी की चम्मच से चटनी में जल्दी स्मेल नहीं आती, रंग भी सही रहता है और टेस्ट भी बरकरार रहता है। एक और बहुत जरूरी टिप, चटनी का रंग फ्रेश रखने के लिए 84 चुटकी भर चीनी, थोड़ा सा बूंद ऑयल आप जब मिक्सी में पीसते हैं चटनी को उस दौरान डाल दें, इससे भी चटनी का रंग हरा बना रहता है, चटनी जल्दी काली नहीं पड़ती। नेक्स्ट टिप, चटनी में आप चाहते हैं एक बढ़िया सा ट्विस्ट, जब भी आप चटनी को पीसते हैं अपने मन की कोई भी नट्स, जैसे मूंगफली जिसे आप पीनट बोलते हैं, जरा सी भुनी हुई मूंगफली थोड़ी चटनी पीसते वक्त आप डाल दें, फिर आप देखिए कि चटनी में एक तो बहुत ही अच्छा स्वाद आ जाता है, वो न्यूट्रिशियस भी हो जाती है, उसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट टिप, मान लीजिए आप चटनी बनाना चाहते हैं, आपको किसी स्नैक्स के साथ सर्व करनी है या किसी गेस्ट को, और हरा धनिया नहीं है, तो आप चटनी का कैसे बनाएं? बहुत ही आसान तरीका, कोई भी खट्टा फल ले लें, जैसे हरी सेब, इमली या फिर रसबरी, या फिर आप ले सकते हैं अनार,
इसमें आप हरी मिर्च, नींबू और जरा सा काला नमक डाल करके पीस लें। फिर आप देखिए आपकी चटनी कितनी बढ़िया तैयार हो जाएगी। एक तरीके का डिप तैयार हो जाएगा हल्के अलग ट्विस्ट के साथ, और वो बहुत ही बढ़िया लगेगा किसी भी स्नैक्स के साथ। तो जरूर ट्राई कीजिए मेरी ये टिप्स। नेक्स्ट टिप, कई बार गलती से पानी ज्यादा हो जाता है या चटनी कभी कभी पतली बन जाती है, तो उसको गाढ़ी कैसे बनाएं? तो सबसे अच्छी चीज तो यही है कि आप थोड़े से मूंगफली के दाने उसमें मिला दें, वरना जो हलवाई करते हैं शादियों में जो चटनी तैयार करते हैं वो गाढ़ी इस तरह से की जाती है, उसमें वो उबला हुआ आलू थोड़ा सा डाल देते हैं पीसते वक्त। उबला हुआ आलू डालने से चटनी गाढ़ी हो जाती है, चटनी में रंग भी अच्छा आ जाता है और चटनी बहुत टेस्टी हो जाती है। एक बार आप इसे जरूर ट्राई करें। लेकिन फिर आप आलू डालने के बाद चटनी को बहुत टाइम तक के लिए रख नहीं सकते हैं, ये मैं तुरंत की चीज बता रही हूँ। तो आप उबले हुए आलू के साथ, जरा सा उबला हुआ, क्वांटिटी कम है तो आधा उबला हुआ आलू या एक चम्मच उबला हुआ आलू मिला दें, चटनी बहुत बढ़िया गाढ़ीपन पर अच्छे रंग में तैयार हो जाएगी। ये नेक्स्ट टिप, जब भी आप हरे धनिया पुदीने की चटनी बनाते हैं तो कभी भी पुदीने की मात्रा ज्यादा न लें। पुदीने की मात्रा ज्यादा लेने से चटनी का रंग कालेपन पे हो जाएगा और चटनी हल्की कड़वाहट लिए हो जाएगी। पुदीना कम लें और हरे धनिया की मात्रा ज्यादा लें। तो मेरी इन टिप्स को आप जरूर ट्राई करें, आपकी चटनी भी बढ़िया बनेगी। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की ये कुछ अच्छी बातें पसंद आई होंगी। अगर आपको मेरी ये कुछ अच्छी बातें पसंद आई है तो प्लीज हमेशा की तरह मेरे वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा फैमिली फ्रेंड्स फेसबुक और व्हाट्सएप पे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, पास में बनी हुई बेल बटन को जरूर दबाएं जिससे आपके पास मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल।